नए वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे में हल्द्वानी के सबसे व्यस्त टीपी नगर चौराहे में शराब की दुकान खुलने की सुगबुगाहट के बाद महिलाओं और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। महिलाओं ने यहां धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। उसके बाद महिलाओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए वहां शराब की दुकान न खोलने की मांग की। महिलाओं ने कहा कि यदि शराब की दुकान के फैसले को जल्द वापस नहीं लिया जाएगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपकी दुकान खुलने से तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को दिक्कत है, पुरुष तो शायद वैसे खुश भी हो रहे होंगे नज़दीक में खुल लिया, लेकिन हमारी मातृशक्ति ने एक संकल्प लिया है कि किसी भी हालत में हम उस विद्यालय के पास में, क्योंकि तीन विद्यालय आसपास हैं, वैसे भी एजुकेशन हब है वहाँ पे और काफ़ी स्कूलों के बच्चे वहाँ पर जाते हैं, बिल्डा के जाते हैं, मैथ्स के जाते हैं, सेंट लॉरेंस सारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, तो वहाँ के सारे बच्चे वहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं। तो हम माताएँ बच्चों को छोड़ने जाती हैं और ट्रांसपोर्ट नगर के तीन बाईपास मार्ग हैं और एक ट्रांसपोर्ट नगर बाईपास है, तीन ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर के रास्ते हैं, वैसे वहाँ पर जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा है। तो हम ये चाहते हैं कि वो स्कूल ना वो जो वो करना चाह रहे हैं शराब की दुकान, अगर गवर्नमेंट ने उन्हें ठेका दिया है खोले, कहीं भी खोले, लेकिन वहाँ पर हम किसी भी हालत में, हमारी मातृशक्ति ने संकल्प लिया है हम किसी भी हालत में शराब की दुकान नहीं खोलेंगे। और आज किस तरह की मांग आपने यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से की? इस प्रकार से पता चला कि टीपी नगर ट्रांसपोर्ट नगर जो एक बिल्कुल क्राउड एरिया है, वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट जोन होते हैं, वहाँ पर शराब भट्टी खुलने जा रही है, जिसके अगल बगल बिल्कुल 50-60 मीटर की दूरी में तीन स्कूल हैं। तो हमें पता चला उसके माध्यम से जितनी मातृशक्ति और महिला शक्ति हमारी पूर्व प्रधान है और जितनी हमारी महिला शक्ति यहाँ पर है, हमने उसका विरोध किया। हमें और कल भी पेपर के माध्यम से ये पता चला कि अभी कोई प्रशासन के द्वारा कोई उसमें प्रस्ताव उन्हें पारित नहीं किया गया है, मगर हमें ये पता चला है कि 20 दिन पहले से वहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके साथ भी बैठक हुई है, उनको भी पता था कि शराब भट्टी खुलने जा रही है। तो हमने इसका विरोध किया और हम आगे भी इसका विरोध करेंगे, किसी भी हालत में हम शराब भट्टी नहीं खुलने देंगे। देखिए, हमारे पास ट्रांसपोर्ट नगर के नागरिकों ने जो अभी ये ज्ञापन दिया है उसमें वहाँ पर एक शराब की दुकान के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में मैंने आबकारी इंस्पेक्टर से भी बात किया था, तो उसने मुझे बताया है कि अभी ऐसा कोई भी वहाँ पर चिन्हीकरण नहीं हुआ है या कोई भी रिपोर्ट नहीं लगी है किसी भी दुकान खुलने की। मैंने इन लोगों को आश्वस्त किया है कि हमारे मानकों के विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा, अगर ऐसा हमारे मानकों में नहीं है तो निश्चित ही वहाँ पर इस तरीके की दुकान नहीं खुलेगी।